सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनकी यादें उनके फैंस और दोस्तों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही और उनके दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को काफी मिस कर रहे हैं और ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला के लिए पोस्ट कर रहे हैं। सामने आए हैं बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रहे एजाज खान, जिन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इस पोस्ट में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर एजाज खान ने लिखा है, मैं टोकन जेस्चर में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे तुझसे कुछ बात करनी है जो रह गई है, और ये कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो माफी की, मैंने तेरा नंबर खोज कर कॉल नहीं किया या मिला नहीं। एजाज खान ने पोस्ट में आगे लिखा, पता नहीं क्या वजह थी, शायद मैं अपने काम में बिजी हो गया या यही सोचता रहा कि कहीं ना कहीं तो हम मिल ही जाएंगे और वो कितना अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता कि इस बात के लिए मैं खुद को आखिर कैसे माफ करूंगा। मुझे माफ कर दे भाई सिद्धार्थ शुक्ला, वहां बिग बॉस के घर में तेरे से प्यार हो गया भाई। मैंने जिंदगी में इतने करीब से किसी के साथ खुद को महसूस नहीं किया, वहां सिर्फ तू ही मुझे अच्छे से समझ पाया। तेरे उसूल, तेरे बेझिझक बोलना, तेरी हर बात पर अड़ जाना, तू हमेशा जीतने तक हार नहीं मानता था, तेरे टास्क को हमेशा अपने हिसाब से समझना। सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर एजाज खान ने लिखा, तेरा मुझे ये समझाने का तरीका कितना भाव पूर्वक था, अपनी सच्चाई को कैसे दूसरे के सामने रखा जाए तूने मुझे सिखाया। तेरे जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। मैंने कोशिश की खुद के जैसा रहूं, शुक्रिया भाई। तुझे जितना समझा उतना और तुझे प्यार करने लगा ये दिल, तू है मेरा सच्चा यार। इस लाइफ में ना एक उम्र के बाद बल्कि अच्छी दोस्ती होती है, बल्कि मौका नहीं मिलता कि आप किसी के साथ इतना वक्त बिता पाओ, पर मुझे ये सम्मान मिला कि तू मुझे खाना सलाद और प्रोटीन शेक कितना पसंद था, तू कैसे वर्कआउट करता था, तेरा कौन सा गाना फेवरेट था। मुझे अपने अपनों से ज्यादा तुझे जानने का मौका मिला। मेरे आइडियल तूने एक एक बार जो बोली थी ना, उससे अब मुझे भी इतनी ताकत मिलती है, बल्कि मैं वादा करता हूँ कि तेरी याद और सीख को बुलंदी पर रखूंगा। मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला। तो ये था एजाज खान का दर्द भरा पोस्ट सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। नेक्स्ट टाइम लाइव से रचने की रिपोर्ट।